नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूँ फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्षद दल ने धूप में बैठकर जताया विरोध। हिंदू महासभा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। संगठन को लेकर भाजपा की बैठक हुई आयोजित। मनरेगा का वेतन नहीं मिलने पर मजदूरों ने जताया विरोध। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम के बाहर कांग्रेस के पार्षद नगर निगम अध्यक्ष ने धूप में बैठकर विरोध जताया। उनका कहना है कि 5 नवंबर को परिषद सम्मेलन होना था लेकिन नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर से भी शिकायत की है। बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम के बाहर कांग्रेस पार्षद दल ने विरोध जताया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंगलवार दोपहर 1 बजे इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम के बाहर कांग्रेस पार्षद दल ने धूप में बैठकर विरोध जताया। नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव ने जानकारी देते हुए बताया, मेरे द्वारा 5 नवंबर को नगर निगम परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया था लेकिन भवन का ताला नहीं खोला गया, इसके लिए हम बाहर जमीन पर ही बैठ गए। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्य मित्तल को भी समस्या बताई और नियम विरुद्ध चलने वाले लोगों पर कार्रवाई हो इसकी मांग की है। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में अखिल भारत हिंदू महासभा ने शाहपुर में डांस का कार्यक्रम आयोजित करने वाली समिति पर कार्रवाई हो इसकी कलेक्टर से मांग की है। उन्होंने कहा कि लावणी महाराष्ट्र का एक नृत्य है लेकिन यहाँ पर लावणी के नाम पर डांस कराए गए। बुरहानपुर अखिल भारत हिंदू महासभा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर शाहपुर में डांस का कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार दोपहर 1 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अखिल भारत हिंदू महासभा की पदाधिकारियों ने कलेक्टर भव्य मित्तल को ज्ञापन सौंपकर शाहपुर में डांस का कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। अखिल भारत हिंदू महासभा के दिनेश सुगंधी ने जानकारी देते हुए बताया कि लावणी महाराष्ट्र का एक नृत्य है जबकि यहाँ पर लावणी के नाम पर डांस कराया गया है। ऐसा डांस करने वाले कलाकार और आयोजन समिति पर कड़ी कार्रवाई हो इसकी मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज विगत 2 दिवस पूर्व शाहपुर में जो लावणी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें अश्लीलता और पूर्णता का कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया जिससे हमारी धर्म और संस्कृति पर कुठराघात किया गया और हमारी भावनाओं के विपरीत कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया जिसमें युवाओं को उकसाने वाली प्रवृत्ति दर्शाई गई है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा यह कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि इस प्रकार के जो फूल कार्यक्रम अश्लीलता परोसे जा रही है। लावणी यह महाराष्ट्र की परंपरागत शैली है, नृत्यांगना नृत्य की शैली है और नृत्यांगना जो गौतमी पाटिल है उस पर FIR दर्ज कर करके दंडात्मक कार्यवाही करें। बुरहानपुर के राजस्थानी भवन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के होने वाले चुनाव को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद, महापौर, विधायक और प्रभारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित राजस्थानी भवन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक आयोजित हुई। मंगलवार दोपहर 3 बजे इंदिरा कॉलोनी स्थित राजस्थानी भवन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक आयोजित हुई। आगामी समय में संगठन के चुनाव होना है जिसको लेकर कार्यक्रम में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी अतुल पटेल सहित संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया तो वही कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दसघाट पंचायत के मजदूरों ने कलेक्टर भव्य मित्तल को लिखित में शिकायत करते हुए मनरेगा का वेतन नहीं मिलने की समस्या बताई और जल्द ही वेतन मिले इसकी मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद थे। बुरहानपुर में दसघाट पंचायत के लोगों को मनरेगा में मजदूरी करने का वेतन नहीं मिल रहा है जिसको लेकर कलेक्टर से मजदूरों से लिखित में शिकायत की। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे दसघाट पंचायत के लोगों को मनरेगा में काम की हुई राशि नहीं मिल रही है जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर भव्य मित्तल को लिखित में शिकायत की है। मजदूर दशरथ आवासे ने जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी पंचायत में मनरेगा के तहत तालाब खुदाई का काम करते हैं लेकिन हमें राशि नहीं मिल रही है, दूसरे लोगों के खातों में राशि जा रही है, इसलिए आज हमने कलेक्टर भव्य मित्तल को समस्या बताई और जांच कर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो उसकी मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद थे। आज जन सुनवाई में इसलिए आए कि कहीं 2-3 साल से रोजगार सहायक जो है
वो पैसा क्या है कि दूसरे के जो काम नहीं कर रहे उसके खाते में डाल रहा है, और ये जो भाई बेचारा वो काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसा नहीं डाल रहा। खकनार, खकनार से आए हम, दसघाट पंचायत दसघाट से। सहायक सचिव है वहाँ पर, सरपंच और जो जो भी है वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर कम से कम अभी 30-40 लोग है जो काम कर रहे हैं, वो काम के पैसे नहीं डाल रहे हो। बुरहानपुर जिले में विधायक अर्चना चिटनिस का बुलडोजर पर खड़े होकर नदी पार करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। इस वीडियो में विधायक अपने पुत्र के साथ खड़े होकर नदी पार करते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश अजब है तो यहाँ पर गजब गजब की घटनाएं भी सामने आती रहती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के फोपनार से भी एक तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बुरहानपुर से विधायक अर्चना चिटनिस बुलडोजर पर चढ़ गई और नदी पार करते हुए नजर आ रही है। उसके साथ अन्य लोग भी इस बुलडोजर में सवार दिखाई दे रहे हैं। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल यह हर वर्ष हेली की टक्कर का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस पहुंची थी। नदी में पानी होने के कारण वो बुलडोजर पर चढ़कर वहां पहुंची और इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। बुरहानपुर लालबाग क्षेत्र के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सीएमवी वायरस से प्रभावित हुई फसलों का मुआवजा मिले इसकी कलेक्टर भव्य मित्तल से मांग की है। कि किसानों का कहना है कि 2 महीने पहले फसलों को नुकसान हुआ था लेकिन आज तक भी मुआवजा नहीं मिला है। बुरहानपुर में लालबाग के किसानों ने सीएमवी वायरस से खराब हुई केला फसल के मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर भव्य मित्तल को समस्या बताई। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 महीने पहले किसानों की केला फसल को सीएमवी वायरस ने चपेट में ले लिया था, जिस कारण करीब 50 एकड़ से अधिक केला फसल क्षेत्र की प्रभावित हुई है, जिस कारण हमें परेशानी हो रही है। कलेक्टर भव्य मित्तल ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। बुरहानपुर के नगर निगम के MIC हॉल में महापौर माधुरी अतुल पटेल ने पत्रकार वार्ता ली। सबसे पहले पत्रकार को दीपावली मिलन पर बधाई दी, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, उस पर अपना पक्ष रखा। बुरहानपुर नगर निगम कार्यालय में नगर निगम महापौर माधुरी अतुल पटेल ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सबसे पहले दीपावली मिलन समारोह कर पत्रकारों को दीपावली पर्व की बधाई दी। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस द्वारा विरोध पर महापौर प्रवक्ता अतुल पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि नियम के आधार पर हम चल रहे हैं, यदि हम गलत है तो वह न्यायालय में जा सकते हैं। उन्होंने विस्तार से नियमों को बताया। महापौर प्रवक्ता अतुल पटेल के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मौजूद थे। आज तक खैर दीपावली मिलन के हिसाब से भी पत्रकार वार्ता रही है, क्योंकि जो कच्चे तो सच्चाई सामने आनी चाहिए सबके। कई कई बार लोगों को नहीं पता होता, उस हिसाब से पत्रकार को जो जैसा बोलता वैसे ही सबाई को इतना लिखता है, इसलिए स्पष्ट साफ हो। जैसे दीपावली मिलन भी किया और कुछ पत्रकारों से सर चर्चा भी की, तो इसके अंतर्गत जो मीटिंग ये जो मन में भ्रम थे वो मैंने सब स्पष्ट किया कि न कोई कर लगा न कोई विषय था। मीटिंग वैधानिक है, मीटिंग अवैधानिक, कोर्ट में जाए ना। ऐसा बाहर तमाशे क्यों बता रहे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बाहर रोड पे बैठ रहे, आपको एसी में बिठाया, क्या चर्चा करो, बजट पे करो, टैक्स लगाने, वहां से आप भाग जा रहे हो तो रोड पे बैठ के बता रहे हो। अरे आपको तो एसी का हाल बना दिया नगर परिषद ने, एसी में हाल में बैठ के बहुत अच्छे चर्चा करने बुलाया था। पर चूंकि एक नैरेटिव कुछ भी करना है, कोई विरोध पैदा करना, शहर के विकास में इनका सकारात्मक सहयोग कभी नहीं रहेगा, विरोध करे। कल होंगे फिर आपसे मुलाकात। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।